पार्टी की मुश्किलें पहले ही कम नहीं थी कि अब सुकेश नाम के ठग ने केजरीवाल, सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और पूरी आम आदमी पार्टी की नाक में दम किया हुआ है। 33 दिन में 4 लेटर बम फोड़ चुका है ये महाठग आम आदमी पार्टी पर और दावे ऐसे कि केजरीवाल की पार्टी को एक बार को खुद ही लग जाए कि हमने क्या सच में ऐसा किया है। अब सुकेश के केजरीवाल, सत्येंद्र जैन के खिलाफ आरोप कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, इस मामले को गंभीरता से लेना अब जरूरी हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक लेटर लिखा और इसमें ये तक कह दिया कि अगर मेरे लगाए गए आरोप झूठे निकले तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना। जी, सुकेश ने यही लिखा है अपने चौथे लेटर बम में कि अगर मेरे केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगाए गए आरोप झूठे निकले तो मैं फांसी भी चढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आरोप सही साबित हुए तो क्या केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या फिर राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जब मामला इतना गर्मा गया तो फिर कांग्रेस ने भी इस मामले में कूदने का मन बना लिया। अब कांग्रेस आई है तो नार्को टेस्ट का बम लेकर आई है। जी, नार्को टेस्ट करवाने की सलाह दी है कांग्रेस के नेता अजय कुमार ने। दिल्ली, सिक्किम, त्रिपुरा और नागालैंड के AICC प्रभारी अजय कुमार ने कहा, नार्को टेस्ट जरूरी है क्योंकि एक मौजूदा CM के खिलाफ लिखित में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी इतने साल से लोगों के ऊपर इतने आसानी से जो है आरोप लगाते थे, अब तो एक व्यक्ति लिखित में दे रहा है कि सत्येंद्र जैन ने पैसा मांगा है, अरविंद केजरीवाल ने पैसा मांगा है। तो हम तो सिंपल स्पष्ट चीज है, सुकेश चंद्रशेखर का जो है नार्को कराइए, नार्को टेस्ट कराइए सत्येंद्र जैन जी का और अरविंद केजरीवाल जी का, क्योंकि ये पहली बार है कि किसी भी देश के इतिहास में तो पहली बार है कि कोई स्पष्ट रूप से लिख के दे रहा है कि हम इस मुख्यमंत्री को इतना पैसा पहुंचा रहे हैं। तो केजरीवाल जी अभी गुजरात घूम रहे हैं, हिमाचल घूम रहे हैं और तिहाड़ जेल में तो लोग बोल ही रहे हैं, आम चर्चा ये दिल्ली के जो है पुलिस के सर्कल में हो या जो लॉयर वकीलों के बीच में हो, ये सब लोग यही बोल रहे हैं। तो कम से कम अपनी स्पष्टीकरण तो दें, इतनी तो बनती है। सुना आपने क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता, ऐसी ही मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी तीनों लोगों के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा, इस पे हमें कहीं ना कहीं सत्य पे पहुंचना होगा। न हम मीडिया का समय बर्बाद करना चाहते हैं, न दिल्ली की जनता का समय बर्बाद करना चाहते हैं और न तो अपना और उनका समय बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि इस केस में जुड़े हुए तीनों व्यक्तियों का, उस सुकेश चंद्रशेखर जो तिहाड़ में बंद है, सत्येंद्र जैन मंत्री जो तिहाड़ में बंद है और अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर फोन से बात करने, 50 करोड़ रुपया लेने, राज्यसभा की सीट बेचने, आम आदमी पार्टी का कोई प्रमुख पद बेचने के ऊपर और 500 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है उस अरविंद केजरीवाल जी का भी, इन तीनों का पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने की जरूरत है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। वैसे मांग जायज ही है, अजय कुमार और मनोज तिवारी ने कोई गलत मांग नहीं की है। भाई, सालों हो गए अपना पल्ला झाड़ते झाड़ते, दूसरों पर आरोप लगाते लगाते, दूसरों पर आरोप मढ़ते मढ़ते, दूसरों को गलत ठहराते ठहराते और खुद को आम आदमी बताते बताते। और अगर आप इतने ही शरीफ हैं, तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन अगर ईमानदारी की इतनी ही बड़ी मूरत है तो कराया जाना चाहिए नार्को टेस्ट। दूध का दूध और पानी का पानी होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। अरे, पिछले दिनों में सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ कई चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें सबसे पहले आरोप लगाया गया सुकेश ने सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ और गोयल को 12.5 करोड़ रुपए देने का दावा किया है, जो कि सुरक्षा राशि के रूप में दिए थे। सुकेश ने दावा किया है कि उसने साल 2016 में दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत के फार्म हाउस में जैन को 50 करोड़ रुपए दिए थे। सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि केजरीवाल और जैन उनकी डिनर पार्टी में हयात होटल रीजेंसी में भी शामिल हुए थे।
ठग ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि सीएम ने उसे कर्नाटक और तमिलनाडु से 20 से 30 लोगों को लाने के लिए कहा था जो पार्टी के पदों और सीटों के बदले कम से कम 500 करोड़ रुपए दे सकें। ये आरोप लगाने के बाद सुकेश चंद्रशेखर ने सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी जेल संदीप गोयल पर जेल प्रशासन से धमकी दिलवाने का भी आरोप लगाया है। ठग का आरोप है कि उस पर पंजाब और गोवा के चुनावों में अभियानों को फंड करने का दबाव भी आम आदमी पार्टी ने बनाया था। सुकेश ने कह दिया है कि आम आदमी पार्टी सुप्रीमो उसे उकसाना बंद कर दे, नहीं तो वो और राज खोल देगा। सुकेश ने यह भी कह दिया है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तैयार है। ये है आरोप जो सुकेश ने अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और पूर्व डीजी जेल पर लगाए हैं। इसके बाद अगर कांग्रेस और बीजेपी देश के सबसे बड़े आम आदमी के नार्को टेस्ट की बात कह भी रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं, जेल में बंद सत्येंद्र जैन इतना ही सच्चा है तो फिर करवा लेना चाहिए इनको नार्को टेस्ट। सच्चाई अपने आप निकल कर सामने आ जाएगी। आम आदमी पार्टी वाले जिस तरह से सुकेश के लगाए हर आरोप में बीजेपी का हाथ होने का दावा करने लगते हैं, कम से कम वो केजरीवाल और उनकी पार्टी को नहीं लगाने पड़ेंगे। जो भी सच होगा सबके सामने होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल, सुकेश और सत्येंद्र जैन का करवाया जाए नार्को टेस्ट? क्या कहते हैं आप? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।